हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको अभी एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी। ओके, ये वीडियो है 18 मिनट पहले ही अपलोड करी है, और मैंने आपको बताया था कि आज निफ्टी कितना गिरा है। और स्टिल मुझे बिल्कुल नाम मात्र का ही थोड़ा बहुत ही लॉस हुआ है, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। जैसे कि क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का रीज़न है। ना मैंने FNO किया है, ना फ्यूचर किया है, ना इंट्राडे किया, बट स्टिल मुझे मेरा स्टार्टिंग में तो पोर्टफोलियो जहाँ पर नेगेटिव में निफ्टी फिफ्टी सब गैप अप ओपन हुए थे, बट स्टिल मुझे क्या कहते हैं यहाँ पर वहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया था। क्यों हुआ था उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। और इसमें ही मैंने बताया था कुछ ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ जिसमें वैल्यू बाइंग नज़र आ रही है, जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम उसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं ना, तो हमारा पैसा फ्यूचर में इतना मल्टी बैगर बनता हुआ नज़र आ जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत अच्छी वैल्यू पर शेयर मिल रहे हैं, और बाय ऑन डिप्स करके आप उसमें अच्छा खासा पैसा अभी शॉर्ट टर्म में भी अर्न कर सकते हैं, और बात की जाए लॉन्ग टर्म में तो लॉन्ग टर्म में भी अर्न कर सकते हैं। और अगर सोच रहे हैं कि मार्केट इसी तरीके से गिरता रहेगा, लास्ट टाइम मार्च में हुआ था वैसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। और मार्केट मार्च में दोबारा बाउंस बैक करेगा, और बहुत अच्छा बाउंस बैक करेगा। तो इस बात को याद रखिएगा, 16,000 तक डेफिनेटली वो पहुंचेगा मार्च में। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, बताते हैं कौन से शेयर से पे जो मैं आपके बात करने वाला हूँ, कौन से शेयर। बट बिफोर दैट, हम हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और हमें हमारे इस चैनल को ग्रो करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहूँ। और लाइक का बटन डेफिनेटली हर एक वीडियो पर दबाएँ, ताकि दूसरे लोगों को भी वीडियोज़ मिल जाए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि नीचे दो लिंक दे रखे हैं, एक अकाउंट ओपनिंग का, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो कि आपको फ्री में अकाउंट है। एज वेल एज यहाँ पर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी डोनेट कर सकते हैं और मंदिर को बनाने में मदद कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता ही है निफ्टी क्या क्रैश हुआ है, बैंक निफ्टी क्या क्रैश हुआ है, सेंसेक्स क्या क्रैश हुआ है। आज 3 से 4% के, 3.5 से 4% तक का यहाँ पर क्रैश होता हुआ देखा गया है। बट स्टिल हमारा पोर्टफोलियो, अगर आपने मेरा मुझे फॉलो किया होगा, तो डेफिनेटली आपको कुछ खास नुकसान नहीं हुआ होगा, और वो बाउंस बैक शेयर डेफिनेटली मार्च और अप्रैल में अच्छा खासा रिटर्न देते हुए आपको नजर आएंगे। ये तो रही मेरी बात। अगर बात की जाए, देखिए सारे के सारे शेयर हमें नेगेटिव में ओपन होते, आप देख सकते हैं सारे के सारे नेगेटिव में ही क्लोज हुए। कोई 6%, कोई 7%, कोई 5%, कोई 4%, कोई 3, 2, 1, इस तरीके से हर कोई ना कोई शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आया है। बट स्टिल यहाँ पर हमें बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो वैल्यू बाइंग पे नज़र आते हैं, और उसके पीछे रीज़न है। तो उन्हीं शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिस शेयर से रिलेटेड बातें करूँगा, भारती एयरटेल लिमिटेड। इससे बड़ी एक बहुत बेहतरीन और बड़ी न्यूज़ हमारे सामने आई है, उसकी तरफ तो बातें करेंगे ही करेंगे, बट हम मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत वैल्यू बाइंग क्यों है। पहली बात तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, यहाँ पर कुछ दो तीन न्यूज़ ऐसी है, अच्छी खासी न्यूज़ आई है कि आप इसमें अगर बाई नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर शेयर बाजार में रहने का कोई मतलब है, क्योंकि ये जो शेयर है काफ़ी बेहतरीन शेयर है। इसके पीछे क्या रीज़न है, तो सबसे पहले रीज़न बता देता हूँ। ये एयरटेल एडेड मोस्ट न्यू सब्सक्राइबर, ड्यू टू बेटर मोबाइल नेटवर्क एक्सपीरियंस देन जियो। तो जियो जो सबसे पहले ऊपर हुआ करता था, आज की डेट में एयरटेल उसे बीट करके आगे निकल चुका है। सबसे पहली बात, भारतीय एयरटेल ये इशू करने वाला है शेयर होल्डर्स से, टू सीक शेयर होल्डर्स नॉट टू इशू 3.60 करोड़ शेयर टू LMIL फॉर भारतीय। तो ये कुछ न्यूज़ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मेन न्यूज़ है वो आपके सामने है यहाँ पर, भारतीय एयरटेल यहाँ पर आपको पता ही है MSCI का जो इंडेक्स है, उसमें यहाँ पर उसे कुछ शेयर खरीदने तो और खरीदते हुए नज़र भी आए। तो लगभग 4 करोड़ शेयर आज की डेट में यहाँ पर खरीदे गए हैं। 4,000 करोड़ शेयर की यहाँ पर सौदा हुआ है, और लगभग कितना 2700 या 2800 करोड़ के लगभग यहाँ पर बल्क डील में सौदा होता हुआ नज़र आया है। तो यहाँ पर बल्क डील का आप डेटा शाम को निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पर डालिएगा बल्क डील, NSE में आपको वहाँ पर ले जाएगा और आपको बता देगा कि एयरटेल। और इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ यहाँ पर देखिए, जो जिस रेशो पे, जिस RSI पे आपको मिल रहा है ना, 28 के RSI, मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो ना बहुत हो गया, मतलब रिस्क कम है और रिवॉर्ड के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो 620 630 के टारगेट लोग बोल ही रहे हैं, बट जिस तरीके से
जियो को ये बीट करता जा रहा है, तो ये फ्यूचर में आपको अच्छा खासा गेन देता हुआ नजर आएगा, तो इस शेयर की तरफ नजरें बनाइएगा। इसके अलावा एक और शेयर की बात कर लेते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक इज़ वन ऑफ द वैल्यूएबल बैंक इन इंडिया, ओके, और बहुत अच्छा बैंक है और अच्छे इसके रिटर्न्स देख सकते हैं। कहाँ पर कुछ पैसों में चलता था, आज की डेट में 1819, ओके, अच्छे अच्छे डिविडेंड सब कुछ देता आया है। और क्यों कह रहा हूँ शेयर से रिलेटेड, तो इस शेयर से रिलेटेड बातें इसलिए कर रहा हूँ मैं, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ RSI, तो कितने 26 के RSI पे ये आपको मिल रहा है। 26 के RSI का मतलब पता है 30 और 40 70 के बीच में कहते हैं अच्छा, और 30 के नीचे आ गया तो ओवरसोल्ड जोन में है, तो मतलब आप इस शेयर की तरफ नज़रें बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये लाइन बन रही है ना, ये बाइंग की लाइन है कि कितने सारे शेयर इसकी डेट में आज के उठाए गए होंगे। यहाँ पर ये जो मैं आपको मैंने एक बार पहले ही बताया था कि यहाँ पर बाइंग का ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ये स्ट्रैटेजी होती है एक, वो मैंने लगा रखा है यहाँ पर ऑप्शन। तो यहाँ पर देखें, यहाँ बाइंग का, बट आपको यहाँ पर बाइंग का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप इसे डेफिनेटली करिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम जब ये 1700 के आसपास यहाँ पर शेयर आया था, अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, जब यहाँ पर शेयर आया था ना 1700 के आसपास, तो यहाँ पर कितना भागता हुआ नजर आया था, 2000, तो 1700 के आसपास ही लगभग चल रहा है, 2100 पे चला जाए तो बेच के निकल जाना, अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये कोटक का नहीं था। इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, आपको न्यूज़ मिली गई होगी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में शेयर शामिल हो गया है। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, क्या मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न इसने दिए हैं। और अभी इसके पीछे खरीदने का रीज़न क्या है, हमेशा मैंने आपको बताया इसे खरीदी है, बट स्टिल अब ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, इसका RSI, इसका RSI अगर आप देखेंगे तो ये कितने के RSI पे मिल रहा है, केवल 22 के RSI पे यहाँ पर मिल रहा है ये शेयर, ओके, तो 22 के RSI पे अगर ये शेयर मिल रहा है ना, तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए इस शेयर के बारे में। यहाँ पर देखिए आज की डेट में कितने सारे शेयर यहाँ की डेट में खरीदे भी गए हैं, ओके, लास्ट में थोड़े बहुत सेलिंग प्रेशर आया है, बट नो नॉट एन इशू, यहाँ पर 30 से नीचे चल रहा है, बहुत अच्छी बाइंग वैल्यू है, 22 पे ये शेयर के RSI पे ये शेयर मिल रहा है, रिस्क बहुत कम है और प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और इसका मैक्सिमम 4500 है, अच्छे खासे रिटर्न आपको देता हुआ मिल जाएगा विद इन 2 to 3 months में, आप देख लीजिएगा जब इसके रिजल्ट दोबारा अनाउंस होंगे। इसके अलावा बात की जाए टाइटन, इसे बिल्कुल मत भूल जाना, बहुत बेहतरीन मल्टीबैगर राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ पर खरीदा था ये शेयर, आज की डेट में मल्टीबैगर बोनस सब कुछ देता है वो नजर आता है, और गोल्ड का ही काम नहीं है, इसके से रिलेटेड अलग एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये काम क्या क्या करता है, इसके फंडामेंटल एनालिसिस जब करेंगे हम, बट स्टिल आपको बताना चाहता हूँ इसके लिए क्यों कह रहा हूँ। अगेन सेम, देखिए यहाँ पर क्या बाइंग हुई है, एज वेल एज 38 के RSI पे ये मिल रहा है, रिस्क कम प्रॉफिट ज़्यादा, तो इस शेयर की तरफ हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक शेयर जो कि मैं हमेशा ही आपको बहुत टाइम से कहता आ रहा हूँ कि बाय ऑन डिप्स करते रहिए, पॉजिटिव में चल रहा था, इससे पहले वीडियो में ये बात कर रही थी, नीचे मिल गया है, बहुत अच्छी बात है, तो इसे उठा के पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। 27 के RSI पे ये शेयर मिल रहा है, रिस्क कम प्रॉफिट ज़्यादा, और लगभग 3900 या 4000 के आसपास ये शेयर गया था, उसके बाद गिरता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको दोबारा कहना चाहूँगा कि इस शेयर को डेफिनेटली अपना खरीद के रखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाइंग का इसने सिग्नल दिया था, बट आपको और नीचे मिल रहा है, तो एक्युमुलेट करिए, धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स करिए, और ये शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखिए, बहुत बेहतरीन शेयर आप है सारे के सारे, कौन सा डिविस लैब हो गया, टाइटन हो गया, एज वेल एज LTI हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ओके, एम अगर एयरटेल की बात करूँ एयरटेल हो गया, तो इन सभी शेयर की तरफ नज़र बनिए, खुद की स्टडी करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए इन शेयरों को, और बाय ऑन डिप्स करते रहिए, सारा पैसा एक साथ मत लगाइए, ओके, मार्केट है अनसर्टेन है, बट स्टिल मार्केट को ऊपर ही जाना है, आपको आप सभी को पता है, तो बाय ऑन डिप्स करके पैसा लगाइए, अच्छे से पैसे बनते हुए आपको नज़र आएंगे, ओके, और कोई भी आपको मल्टी करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता विद इन 10 to 15 years में, अगर आप इसमें बाय ऑन डिप्स कर करके इन शेयरों में एज वेल एज जिन शेयरों के बारे में मैं आपको बताता हूँ आप उसमें लगाते रहते हैं, उसमें खुद की स्टडी करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर पूछते हैं और अच्छे लगते हैं, तो बाय ऑन डिप्स करिए, अच्छे खासे पैसे फ्यूचर में बनते हुए नजर आएंगे। और एक दो शेयर और है जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में बात नहीं करी है, उनके लिए मैं पूरा एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, आज मुझे शायद टाइम अभी नहीं मिलेगा, बट कल की डेट में जब मुझे टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं उनके एक दो वीडियो आपको बताने वाला हूँ, टाइटन से रिलेटेड भी वीडियो मैं आपको इंडिविजुअल लेके आऊँगा। एक शेयर और है जो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है, जिसने 2 बार बोनस दिया है, स्प्लिट भी दिया है और सब कुछ उसने दिया है, डिविडेंड देता हुआ नज़र आ रहा है, और बहुत दिग्गज शेयर है, और उसका RSI
भी बहुत फेवरेबल है, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, बट उसके लिए कल वीडियो जरूर देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी कौन सा शेयर है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स मिल जाए हमारी वीडियो से रिलेटेड, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि हमारा हम एंकरेज होते रहे, और इसके अलावा हम ऐसी तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके पास पेश करते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।